दक्ष यज्ञ विध्वंस। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, वैवस्वत मन्वंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था? सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया? मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ। आप ठीक-ठीक बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है। हिमालय के पास गंगा द्वार में, जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हुहु, तुम्बुरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुद्गणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, आजयपा आदि पितृ, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि ददीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा, देवता और दानवादी का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती, वह ना यज्ञ है ना धर्म। इससे बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी धदीची ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवर्षि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एकमत हो गए हैं, इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है, उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूंगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि, देखिए, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु, विभु और आह्वनीय हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आह, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। शोक में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए,
यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं। वेदवेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम-रोम से रोम्य नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल को सुनकर देवता थर्रा उठे, पर्वतों के टुकड़े-टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मार पीट करने लगे, कुछ लोगों ने यूप उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रौंदने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई-कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर-उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां-तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी, घी और खीर मानो उस नदी के कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति-भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादि देव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है।
वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता हैं, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्रह्मन, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देव गुरु बृहस्पति ने वेद का मखाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवन, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है, वह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली।